आज तो ये साली जिंदगी हो गई है उधार की, वरना ये खुददार कहाँ किसी का उधार रखता है। आज तेरे परिंदे के पंख जख्मी है माँ, और लोगों को ये भ्रम है कि ये उनके आसियाने में रहने की चाह रखता है। तो इसका टाइटल है, मैं पहली गजल का, इस शहर में मेरी माँ नहीं है। यहाँ से बहुत से लोग होंगे जो अब दूसरे दूसरे शहर से आते होंगे अपने माँ बाप से दूर, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, वैसे तो सभी करेंगे। तो शुरू करता हूँ कि जब बंद कमरे के शोर दौड़ते हैं मेरी ओर, तो तेरी तस्वीर देखकर मैं अक्सर खुद ही खुद से बहलता हूँ। हाँ, इस शहर में माँ नहीं है मेरी, तो कभी कभी मैं घर से भूखे पेट भी बाहर निकलता हूँ। कि जब अपने ही लोग देखते हैं मेरी ओर पराई नज़रों से, कि जब अपने ही लोग देखते हैं मेरी ओर पराई नज़रों से, तो मैं तेरी एक झलक पाने के लिए जाने कितना तरसता हूँ। और जब दिल भर आए तो अपनों के आगे ही छलकते हैं आंसू, और जब दिल भर आए तो अपनों के आगे ही छलकते हैं आंसू, गैरों के सामने तो मैं इसे अपने अंदर ही निगलता हूँ। हाँ, इस शहर में माँ नहीं है मेरी, तो कभी कभी मैं घर से भूखे पेट भी बाहर निकलता हूँ। और दिन के उजाले में इस बड़े शहर में जाने कितने छोटे दिल वाले घूमते हैं, और दिन के उजाले में इस बड़े शहर में जाने कितने छोटे दिल वाले घूमते हैं, तो अक्सर अंधेरी रात में खुद ही अकेले खुद से जाकर मिलता हूँ। और जब तू सामने होती है तो बदमाशियां भी जस्ती है मुझ पर, और जब तू सामने होती है तो बदमाशियां भी जस्ती है मुझ पर, अब तो कहीं बैठ अकेला मैं खुद ही खुद में बहकता हूँ। हाँ, इस शहर में माँ नहीं है मेरी, तो कभी कभी मैं घर से भूखे पेट भी बाहर निकलता हूँ। आगे है कि आज तो ये साली जिंदगी हो गई है उधार की, आज तो ये साली जिंदगी हो गई है उधार की, वरना ये खुददार कहाँ किसी का उधार रखता है। आज तेरे परिंदे के पंख जख्मी है माँ, और लोगों को ये भ्रम है कि ये उनके आसियाने में रहने की चाह रखता है। लेकिन 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 जब करेगा अपने हौसले बुलंद और भरेगा उड़ान, तो जमाना देखेगा कि तुम नापते रह गए जमीन, और वो अपने पैरों तले सारा आसमान रखता है। कि एक तूफान आया है समंदर में, कि एक तूफान आया है समंदर में, और खेवैया हूँ मैं अपनी जिंदगी की नाव की, तो खुद ही मचलता हूँ खुद ही संभलता हूँ। हाँ, इस शहर में माँ नहीं है मेरी, तो कभी कभी मैं घर से भूखे पेट भी बाहर निकलता हूँ। कि जहन में एक अजीब सी खामोशी है, जहन में एक अजीब सी खामोशी है, समंदर में तूफान का तकाजा है क्या? जहन में एक अजीब सी खामोशी है, समंदर में तूफान का तकाजा है क्या? सुनो, जरा खुद से एक बात तो पूछो, खुद से मिलने का इरादा है क्या? आगे है कि बड़े नाज से गई थी मुझसे दूर, कहीं दूर एक जहां बसाने। आकाश भाई, कि बड़े नाज से गई थी मुझसे दूर, कहीं दूर एक जहां बसाने, तो बताओ उस जहां में मेरे तुम्हारे सिवा कोई और भी रहता है क्या? और जब लिपटती हो किसी गैर की बाहों में, तो चेहरा क्यों उतरता है तुम्हारा? और जब लिपटती हो किसी गैर की बाहों में, तो चेहरा क्यों उतरता है तुम्हारा? मेरी धड़कन की सदाएं तुम्हें अब भी सताती है क्या? और जब गई हो मेरे जहां से, तो मेरे जहन से क्यों नहीं जाती? सुनो, तुम्हारा फिर से लौट आने का इरादा है क्या? और कल रात जब एक महफिल में हुई थी मुलाकात, होता है ना अचानक से कहीं मिल जाते हैं बाद में, तो उस पे है कि और कल रात जब एक महफिल में हुई थी मुलाकात, तो नजरें क्यों चुराती रही मुझसे? मेरी अपनी बेवफाई और मेरी बेदिली पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो क्या? एक मुद्दत के बाद मैंने खुद को जाने कैसे खड़ा किया है, और तुम्हारी मेरी जिंदगी में लौट आने की तमन्ना है। एक मुद्दत के बाद मैंने जाने कैसे खुद को खड़ा किया, और तुम्हारी मेरी जिंदगी में लौट आने की तमन्ना है। सुनो, रखो दिल पर हाथ और सच बताओ,
मुझे फिर से गिराने का इरादा है क्या? कि सुनो, रखो दिल पर हाथ और सच बताओ, मुझे फिर से गिराने का इरादा है क्या? कि बहुत गहरी चोट है दिल में, कि बहुत गहरी चोट है दिल में, आकाश भाई, कि बहुत गहरी चोट है दिल में और किसी अपने की दी हुई है। बहुत गहरी चोट है दिल में और किसी अपने की दी हुई है। सुनो, तुम भी तो मेरे अपने लगते हो, तो बताओ कोई दवा लाए हो क्या? आगे एक दूसरा गजल है। आकाश भाई, जब हम लोग पिछली बार आए थे तो एक कबूतर पे उन्होंने एक शेर कहा था कि खत ले जाते वक्त कबूतर रोया, रोएगी तू भी अगर तुझे मिल गई। तो आपका कबूतर तो खत लेकर गया था ना, अभी देखना वो ले जाने से इनकार करेगा अगले शेर में। तो इसका टाइटल है, मैं छोटा सा एक वर्ड में दिया हूँ, पैगाम। सुनो बहुत पैगाम पैगाम करती हो, सुनो बहुत पैगाम पैगाम करती हो, तो लो आज ये पैगाम हम तुम्हारे नाम कर रहे हैं। कि आज दरमिया हमारे कुछ नहीं रहा, तो बात आज सरेआम कर रहे हैं। कि सुनो बहुत पैगाम पैगाम करती हो, तो आज ये पैगाम हम तुम्हारे नाम कर रहे हैं। और आज दरमिया हमारे कुछ नहीं रहा, तो बात आज सरेआम कर रहे हैं। और निगाहें मुंतजिर थी उनकी राह में इस मोड़ पर, शहर के लोग ज़्यादा समझेंगे इस बात को, कि निगाहें मुंतजिर थी उनकी राह में इस मोड़ पर, और पता चला वो पिछले चौराहे पे गैरों से आंखें चार कर रहे हैं। निगाहें मुंतजिर थी उनकी राह में इस मोड़ पर, और पता चला वो पिछले चौराहे पर गैरों से आंखें चार कर रहे हैं। और चर्चे आम क्या हुए इस शहर में तुम्हारी बेवफाई के। आ गया कबूतर। के चर्चे आम क्या हुए इस शहर में तुम्हारी बेवफाई के, अब तो कबूतर भी मेरा खत तुम तक पहुंचाने से इनकार कर रहे हैं। कितनी हसी जुस्तजू हो मेरी, अभी जो लोग नहीं थे वो सुन लेंगे, कि कितनी हसीन जुस्तजू हो मेरी, मैं हजार इसके सबब दूंगा। सबब मतलब कॉज। कितनी हसीन जुस्तजू हो मेरी, मैं हजार इसके सबब दूंगा, आ बैठ कभी साथ मेरे भूल कर सारे सिकवे गिले, कलम को बनाकर अपनी आंखें तेरे हर रंग पे गजल लिख दूंगा। एक लास्ट है, बिना धुआं उठे ही उसने आग दिखाई होगी, कि बिना धुआं उठे ही उसने आग दिखाई होगी, बात बिना बात के ही उसने कोई बात बताई होगी। कि बिना धुआं उठे ही उसने आग दिखाई होगी, बिना बात के ही उसने कोई बात बताई होगी। क्या कहा, वो शायर है और दुश्मनी है उसके किसी से। बस भाई, नीरज भाई कहाँ गए, कि क्या कहा, वो शायर है और दुश्मनी है उसके किसी से। अरे छोरो यार, किसी ने अफवाह उड़ाई होगी।